अक्सर आपके सामने से चोरी की खबरें गुजरती होंगी या फिर आप खुद आस पड़ोस में चोरी के गवाह रहे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चोर इतने भी दुस्साहसी हो सकते हैं कि एयरपोर्ट में घुसकर पूरा का पूरा हवाई जहाज ही चुरा ले जाएं? जी हाँ, अमेरिका के एरिजोना में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। एरिजोना के कॉन्टन वुड एयरपोर्ट पर कुछ चोर हवाई जहाज चुरा कर रफू चक्कर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने एयरपोर्ट के मेन गेट को किसी तरह खोला और अंदर घुसकर प्लेन को ही चुरा लिया। घटना की जानकारी देते हुए कॉटन वुड पुलिस ने बताया कि चोरी की ये वारदात 31 दिसंबर की आधी रात से ठीक पहले अंजाम दी गई थी। पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर घुसकर चोरों ने एक बड़े से कंटेनर पर हाथ साफ किया जिसमें एक हवाई जहाज था। उन्होंने बताया कि चोरों ने न सिर्फ प्लेन चुराया बल्कि कई विमानों के पार्ट्स भी चोरी कर लिए। एक अंदाजे के मुताबिक चोरी की गई प्लेन और सामान की कीमत 70,000 से 80,000 डॉलर करीब। अक्सर आपके सामने से चोरी की खबरें गुजरती होंगी या फिर आप खुद आस पड़ोस में चोरी के गवाह रहे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चोर इतने भी दुस्साहसी हो सकते हैं कि एयरपोर्ट में घुसकर पूरा का पूरा हवाई जहाज ही चुरा ले जाएं? जी हाँ, अमेरिका के एरिजोना में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। एरिजोना के कॉन्टन वुड एयरपोर्ट पर कुछ चोर हवाई जहाज चुरा कर रफू चक्कर हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने एयरपोर्ट के मेन गेट को किसी तरह खोला और अंदर घुसकर प्लेन को ही चुरा लिया। घटना की जानकारी देते हुए कॉटन वुड पुलिस ने बताया कि चोरी की ये वारदात 31 दिसंबर की आधी रात से ठीक पहले अंजाम दी गई थी। पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर घुसकर चोरों ने एक बड़े से कंटेनर पर हाथ साफ किया जिसमें एक हवाई जहाज था। उन्होंने बताया कि चोरों ने न सिर्फ प्लेन चुराया बल्कि कई विमानों के पार्ट्स भी चोरी कर लिए। एक अंदाजे के मुताबिक चोरी की गई प्लेन और सामान की कीमत 70,000 से 80,000 डॉलर करीब 50,000 से 60,00,000 रुपए के बीच है। पुलिस ने यह भी कहा कि जो भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी देगा उसे $450 यानी लगभग 32,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि कॉटन वुड एयरपोर्ट पर एक रनवे, 10 हैंगर और तमाम अन्य सुविधाएं हैं। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल शाम के 4 से 5 बजे तक खुला रहता है लेकिन सेल्फ सर्विस फ्यूल 24 घंटे उपलब्ध है। कॉटन वुड पुलिस ने चोरी किए गए विमान की तस्वीरें भी फेसबुक पर शेयर की है। साथ ही बताया है कि प्लेन से जुड़ी कोई और जानकारी कहाँ शेयर करनी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।